हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ वो है कि जो 4G स्मार्टफोन में हम 5G का यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये फिज़िकली मतलब कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जैसे कि राउटर्स वगैरह की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं 5G 4G स्मार्टफोन्स में। दोस्तों, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होता है मॉडम। तो दोस्तों, जो 4G का मॉडम होता है वो 5G के मॉडम से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि दोस्तों जो 5G का मॉडम 5G को सपोर्ट करता है, और दोस्तों जो 4G का मॉडम है वो 4G तक सपोर्ट करता है। दोस्तों, जो 5G का मॉडम है वो 4G को सपोर्ट करता है, लेकिन 5G को सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। सिंपली ये कहा जाए कि जो 5G का मॉडम होता है वो 5G के लिए बना होता है, जो 4G का मॉडम होता है वो सिर्फ 4G के लिए बना होता है। तो दोस्तों, जो मॉडम होता है वो आप हर किसी जो प्रोसेसर होता है उसके साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि दोस्तों उसकी ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि मतलब कि जो भी जो जैसे कि कोई प्रोसेसर होता है, तो दोस्तों उस जो उसको डिज़ाइन करने के लिए उसको जो मॉडम होता है उसकी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, जो 4G के मॉडम्स है उसमें जैसे कि आपका 855 आता है, बिगेस्ट एग्जाम्पल 855 है आपका, और दोस्तों 855 आपका जो 5G में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब 5G आ रहा है तो आपको जो मतलब कि पता ही है कि 855 हर एक स्मार्टफोन के साथ आने वाला है, और 855 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेसर आएगा फ्लैगशिप में। तो दोस्तों, इसी तरह जो 855 के साथ साथ जो बाकी भी कुछ प्रोसेसर आएंगे, जैसे कि मीडियाटेक के प्रोसेसर आएंगे, हीलियो P90 वगैरह, हीलियो P70 आई थिंक, और उसके बाद जो आपका 710 है मिड रेंज का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का, तो दोस्तों उसमें भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो अब जो प्रोसेसर आने वाले लेटेस्ट प्रोसेसर, उनमें लगभग आपको सभी में 5G देखने को मिल ही जाएगा। और दोस्तों, अब ये जो मतलब कि मिशन ये अब ये मिशन ये है कि जो मतलब कि हर कोई स्मार्टफोन अब जो फ्लैगशिप में आएगा वो 5G आएगा, और मिड रेंज में भी आपको बहुत जल्दी 5G देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, अब 2020 तक आपको हर एक स्मार्टफोन में 5G देखने को मिल जाएगा, और कनेक्टिविटी भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह मतलब कि आपको अब न्यू स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है 5G के लिए, या फिर आपको मतलब कि अगर इसके लिए आपको कोई न्यू स्मार्टफोन नहीं लेना है, तो आप अपने स्मार्टफोन में जो राउटर्स वगैरह है उसका यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ आप इजीली कर सकते हैं, और 5G का मज़ा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो मतलब कि 5G है बेसिकली ये इसी तरह से काम करेगा। और दोस्तों, 5G मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आएगा 2019 में, और दोस्तों 2020 तक आ ही जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें मेरे चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।